झारखंड में तापमान बढ़ने के साथ साथ सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर खींचतान जारी है। कांग्रेस के विधायक और मंत्री दिल्ली में हैं। इस बीच झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना इसी हफ्ते जारी हो जाएगी। झारखंड में 30/18 का रेशियो है, इसके बावजूद लगता है कि हेमंत सोरेन जी एक तरफा सरकार चला रहे हैं, कांग्रेस को बहुत ज्यादा वेटेज नहीं दे रहे हैं। देखिए, अपना अपना सोचने का तरीका है, आप अपना से सोचते हैं। हम लोग जब मंत्री हैं, हम लोग नजदीक में रहते हैं, हम लोग भी देखते हैं। अब बोलने और करने में बहुत अंतर होता है, और मैं समझता हूँ जो गठबंधन से में हम लोग एकजुट होकर काम किए और कई निर्णय अभी हमारे आदरणीय प्रधान जी हमें कहा गया था कि पंचायत चुनाव हमें कराना है। हम लोग चिंतन शिविर में हम लोग लिए थे और हम लोग ने पंचायत चुनाव कराने की दिशा में काम कर रहे हैं, और इसी महीना नोटिफिकेशन होने जा रहा है। बहुत पहले हम लोग कर देते, लेकिन यहाँ पर एग्जाम चल रहा है 10 और 12 का। दूसरा दिया था कि वो जो अवकाश जो पुलिस का था, उन्होंने स्पेशल हमें चिट्ठी लिखा था कि अवकाश यहाँ का पुलिस का जो है 13 महीना का वेतन तो मिलता है, लेकिन उसका एक दिन का छुट्टी भी नहीं मिल रहा था। वो 20 दिन का अवकाश हम लोग ने ग्रहण किया। उसकी राजस्थान के तहत जो ओल्ड पेंशन योजना जो था, वो भी हमारे ही चलाया हुआ, हमने उसको कराया। तो कहाँ हमारा कोऑर्डिनेशन कमी है? कौन कहता है ये हमारे परिवार की बात नहीं सुनते? वो जो जो लिख कर दिया, जो जो सर हम लोग उनसे बात किए, वो तो किया, इस विधानसभा में हमने किया। सबसे पहले झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने अपने मंत्री को झारखंड में जल्द से जल्द पंचायत चुनाव कराने की नसीहत दी थी। चुनाव में हो रही देरी पर उन्होंने नाराजगी भी जताई थी। इस पर मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि इसी सप्ताह पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने भी उनसे कहा था कि राज्य में पंचायत चुनाव की जरूरत है, इसे लेकर सरकार भी गंभीर है और इसी सप्ताह पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।